की बना दी वीडियो वीडियो बना ये फैक्ट्री आप बम बनाने की फैक्ट्री है, कुछ भी नहीं पता जी। 5-6 साल से 5-6 साल से चल रही है, किसी को कुछ नहीं पता। हमने सोचा टाटा मोटर में आग लगी, यहाँ ऊपर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, रोड पे सारा काला ही काला धुआं। बहुत जबरदस्त धमाके, एक नहीं हुए, 8-10 धमाके, बहुत जबरदस्त।
भाई साहब ये तो बारूद की फैक्ट्री थी, ये बारूद की फैक्ट्री। अरे उसके मीडिया वालों के पास में फोन कर, अरे कर ना कमल मिट्टा के पास में फोन कर। अरे तू एम्बुलेंस की उसमें क्या बोलते हैं उधर फायर ब्रिगेड के पास में भी फोन नहीं किया। भाई साहब बम फूट रहा है, बम। भाई साहब वो देख पूरे के पूरे है ना, वो देख इतनी बुरी तरह से फटी है पूरे के पूरे, वो फैक्ट्री ही पीछे चली गई उनकी। देख ले आप पूरा मोहल्ले में भीड़ तो लगनी ही थी। कोई दिक्कत हो सकती है यहाँ बताओ, लेकिन इन्होंने माननी नहीं थी आज तक, देख लो इतना बड़ा नुकसान भी माननी नहीं थी। बहुत ही भयंकर हादसा हो जाता है करनाल के मेरठ रोड पर, एक फैक्ट्री में जोरदार तरीके का ब्लास्ट हो जाता है। बताया जा रहा है कि अवैध तरीके से बम पटाखे की फैक्ट्री बनाई हुई थी। सूचना मिलते ही पुलिस की तमाम टीमें मौके पर पहुंच जाती है। काफी जोरदार तरीके के धमाके होते हैं, आप ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं। मालिक मौके से भाग निकला है, मालिक मौके से भाग निकला है, ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं। मालिक अभी तो यहीं पर खड़ा था गाड़ी में, मालिक जो है गाड़ी लेके भाग गया। जनता ने जब यहाँ शोर मचाना शुरू किया तो मालिक भाग गया, ना वो आया फैक्ट्री मालिक आया, कोई भी नहीं आया। सारे के सारे तैयार थे भाई इनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, अरे इन्हें पिटेंगे आज हम। इनकी पूरी कॉलोनी की प्लान थी ये फैक्ट्री, यहाँ बम बनाने की फैक्ट्री है। कुछ भी नहीं पता जी, 5-6 साल से चल रही है, 5-6 साल से चल रही है, किसी को कुछ नहीं पता। हमने सोचा टाटा मोटर में आग लगी, यहाँ ऊपर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, रोड पे सारा काला ही काला धुआं। बहुत जबरदस्त धमाके, एक नहीं हुए 8-10 धमाके, बहुत जबरदस्त। हटा देगा धमाका हो जाता जी, उसका बंद होना चाहिए। हाँ जी फैक्ट्री का मालिक है, बंद होनी चाहिए जी, कुछ नहीं चाहिए। कॉलोनी में बहुत खतरा होता है इसका, आप देख सकते हैं काफी जोरदार तरीके का धमाका होता है, काफी जोरदार तरीके का धमाका होता है, जिसकी लाइव तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं। तो पटाखा फैक्ट्री में बहुत ही भयंकर आग लगती है, बारूद यहां पर आप देख सकते हैं पड़ा हुआ है, पोटाश यहां पर पड़ा हुआ है। बहुत ही भयंकर आग में जोरदार तरीके के ब्लास्ट होते हैं, ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं करनाल के मेरठ रोड पर शुगर मिल के सामने। सबसे हैरान कर देने वाली बात है कि लोगों को पता तक नहीं था कि यहाँ पर बम पटाखे की फैक्ट्री थी, और बहुत ही जोरदार तरीके के धमाके हुए, जिसके बाद पुलिस और फायर ब्रिगेड की तमाम टीमें मौके पर पहुंच जाती है। ये लाइव तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं किस तरह से जो बारूद है वो भी इस समय यहाँ पर मौजूद है, पटाखे आप देख सकते हैं इस समय यहाँ पर मौजूद है। बहुत ही जोरदार तरीके का यह ब्लास्ट हुआ है, ये पटाखे है जी, इनका बहुत खतरा है जी, इसका बंद होनी चाहिए जी। ये अंडे के नाम से चल रही थी, अंडे के नाम से चल रही थी, अंडे कभी अंडे में टूटते हैं, अंडे के नाम से चल रही है, अंडे कभी अंडे में वेट होता है, आप भी जानते हो इस चीज को। अंडे बहुत ही जोरदार तरीके का ब्लास्ट होता है, कुछ लोग भी घायल हुए हैं, नहीं हुए कुछ कहा नहीं जा सकता। पुलिस इस मामले में अब छानबीन करेगी कि क्या कुछ पूरा मामला है। ये लाइव तस्वीरें समय करनाल के मेरठ रोड पर शुगर मिल के बिल्कुल सामने देख सकते हैं, काफी जोरदार तरीके का धमाका हुआ, एक अवैध तरीके से कोई पटाखे की फैक्ट्री यहां पर चल रही थी, जिसमें अचानक भयंकर आग लग जाती है, जोरदार तरीके का धमाका होता है। काफी दूर से लोग जो है यहाँ पर आते हैं और देखते हैं, हैरान हो जाते हैं, किसी को पता भी नहीं था कि टीन के शेड के पीछे जो फैक्ट्री है उसमें पटाखा बनाने का काम चल रहा था। तो बहरहाल पुलिस की तमाम टीमें मौके पर पहुंच चुकी है, फैक्ट्री मालिक यहां से खिसक चुका है, फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर जरूर काबू पाया, लेकिन इस तरह की फैक्ट्रियां रिहायशी इलाके में बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। कमल मिड्डा करनाल ब्रेकिंग न्यूज करनाल। तस्वीरें आप देख रहे हैं करनाल के शुगर मिल के नजदीक से, जहां पर एक फैक्ट्री में आग लग जाती है। बताया जा रहा है कि बम पटाखा की फैक्ट्री थी, यहां पर जो है आग लग जाती है, और उसके बाद यहां पर देखते हैं कि दमकल विभाग की कई गाड़ियां मौके पर पहुंच जाती हैं। आसपास के तमाम लोग जो है काफी ज्यादा घबरा जाते हैं, क्योंकि अंदर लेबर भी काम कर रही थी, और उसके बाद जो इसके अंदर आग लग जाती है। आप यहीं पे देखा था आपने क्या हुआ? हमने तो आवाज धमाके की आवाज सुनी, तब क्या देखा आपने? काफी तेज था धमाका,
करीब 1-2 किलोमीटर तक आवाज थी उसकी। तो धुआं भी काफी ज्यादा आग लगी हुई थी। धुआं तो दिखाई नहीं दे रहा था इतना जमा था। तो बिल्कुल देखते हैं कि तमाम लोग यहाँ पर इकट्ठे जरूर थे। उसके बाद सूचना मिलते ही डायरेक्ट 112 की कई गाड़ियां मौके पर पहुंच जाती हैं। SHO थाने के जो है मौके पर पहुंच जाते हैं और दमकल विभाग की कई गाड़ियां जो है तुरंत मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाने का प्रयास जरूर करती हैं। लेकिन देखते हैं कि धमाका इतना जोरदार था कि दूर तक लोग बता रहे हैं कि काफी दूर तक पटाखे की जो धमाके की आवाज है वो सुनाई देती है। और उसके बाद दमकल विभाग की कई गाड़ियां जो है तुरंत मौके पर पहुंच जाती है। अगर अंदर की हम बात करें काफी धुआं ही धुआं जो है वो अंदर तक नजर जरूर आ रहा था। और उसके बाद देखते हैं आग पर जो है काबू पाने का प्रयास जरूर किया जा रहा है। तमाम लोग इकट्ठे जरूर हो जाते हैं, हालांकि क्या कुछ हुआ किसी को नहीं पता। और देखते कि तमाम लोग यहाँ पर इकट्ठे हो जाते हैं। काफी दूर तक धमाके की आवाज थी, बहुत ज्यादा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। कितने लोग अंदर थे? कोई प्रशासन, कोई कुछ नहीं, कोई नहीं आया अब तक देख लो। और वैसे इनको वोट चाहिए, दूर है, धुआं धुआं हो रहा था, कोई आदमी चमक नहीं रहा था, नहीं रहा था। अंदर कोई काम भी कर रहा था? अंदर काम कर रहे थे, साल हो गया था चलते है, कोई बोर्ड नहीं लग रहा था अंदर, कुछ भी नहीं लग रहा यहाँ कहीं। धमाका भी काफी देर तक, बहुत 1.5 घंटा आया जी, काफी तेज था, 2 घंटे हो गए इसको। क्या कोई किसी को चोट भी लगी? चोट जुड़ा सके, लोग अंदर निकाल रहे हैं, कॉलोनी वालों ने भाग भाग के यहाँ से निकाल रहे हैं बाहर। प्रशासन तो अब आया है, कोई भी नहीं आया। मालिक वगैरह कोई आया इसका? कुछ भी नहीं आया, सब भाग के देखे। 2 घंटे से पब्लिक यहाँ जूझ रही है, प्रशासन नहीं कोई कार्रवाई कर रहा, कुछ नहीं हो रहा है। पुलिस तो जब सारा मामला बीत जाता है, जब ये बात ही अजीब सारा काम हो जाता है। अब तो पहले कोई नहीं आया यहाँ से देख लो, अब तक ना पुलिस ना कोई प्रशासन, कुछ नहीं आया। तो बिल्कुल करनाल के मेरठ रोड शुगर मिल के बिल्कुल ठीक सामने ये फैक्ट्री है, जहाँ पर एक बड़ा धमाका हो जाता है। धमाके के बाद जो है यहाँ पर फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर पहुंच जाती है। दमकल विभाग के कर्मचारी आग बुझाने में लग जाते हैं, हालांकि काफी देर जो लगती है, काफी प्रयास के बाद आग पर काबू पाया जाता है। लेकिन बताया जा रहा है उस समय जो है काफी लेबर भी यहां पर काम जरूर कर रही थी। और उसके बाद यहां पर देखते कि कैसे आग लग जाती है, और उसके बाद तमाम लोग जो है यहाँ पर लेबर को पहले बाहर निकालते हैं, और उसके बाद यहाँ पर जो है फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर पहुंचती है। हालांकि सूझबूझ का परिचय दिया जाता है कि तमाम लोगों को पहले बाहर निकाला जाता है, लेकिन देखते हैं कि कहीं ना कहीं एक बड़ी लापरवाही जरूर यहां पर सामने आती है। काफी संख्या में बारूद की अगर बात करें वो यहां पर जरूर देखा जा सकता है। यहां पर ये देखिए कि पुलिस की तमाम टीमें जो है मौके पर पहुंच जाती हैं, डायल 112 की टीमें मौके पर पहुंच जाती हैं, और दमकल विभाग की गाड़ियां मौके पर पहुंच जाती है। उसके बाद आग पर काबू पाने का प्रयास जरूर किया जाता है। तमाम लोग जो है यहाँ पर किस तरीके से इकट्ठे जरूर हो जाते हैं, और उसके बाद यहाँ पर देखते हैं कि किस तरीके से आग पर काबू पाने का प्रयास किया जा रहा है।